गाइस फैक्ट्स कैटेगरी में या वैसे भी जो शॉर्ट वीडियोस वायरल होते हैं उनमें आपको एक बहुत कॉमन चीज देखने को मिलेगी कि वो वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, यानी कि वो ऐसे वीडियोस होते हैं जिनको ऑडियंस ज्यादा देर तक देखती है और ये उनके वायरल होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहां से हम एक चीज तो समझ सकते हैं कि अगर हम भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे तो हमारे भी वीडियोस वायरल जा सकते हैं। अब किसी भी वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको अच्छे से एडिट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि अपनी शॉर्ट वीडियो को अच्छे से एडिट कैसे करें, उसमें क्या इफेक्ट्स लगाएं, किस तरह के मोशंस लगाएं, कौन से एलिमेंट्स यूज करें कि हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सके। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्पेशली फैक्ट वीडियोस के लिए बताऊंगा कि आप कैसे अपने फैक्ट शॉर्ट वीडियोस को अच्छे से एडिट करके उसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ताकि आपके शॉर्ट वीडियो के वायरल होने के चांसेस बढ़ सकें। तो चलिए अब बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम एडिटिंग के लिए एज ऑलवेज काइनमास्टर यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम काइनमास्टर ओपन कर लेते हैं। अब शॉर्ट वीडियोस के लिए स्टैंडर्ड रेशियो तो 9:16 होता है, लेकिन काफी सारे लोग शॉर्ट वीडियोस 1:1 रेशियो में भी बनाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा सिमेट्रिकल लगता है। तो आप दोनों में से जो चाहे वो चूज कर सकते हैं, पर मैं तो पर्सनली 9:16 वाला रेशियो ही चूज करूंगा। अब एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और एडिटिंग के ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से जो ड्यूरेशन है इसको 3.5 सेकंड सेलेक्ट कर लेना है और नीचे यानी डिफॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ फिल लेयर में भी 3.5 सेकंड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फिल स्क्रीन का ऑप्शन चूज करेंगे और फिर टिक पे क्लिक कर देंगे। तो इससे होगा ये कि आपकी स्क्रीन में जब भी कोई आप इमेज सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप ही स्क्रीन को पूरी तरीके से फिल अप कर देगा। अब मीडिया में जाके जैसे मैं ताजमहल पे वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ताजमहल से रिलेटेड कुछ फोटोज एंड वीडियोज डाउनलोड कर लूंगा और फिर उसको यहाँ पे इस तरीके से इम्पोर्ट कर लूंगा। नाउ गाइस शॉर्ट वीडियोस में आपको बहुत सारे इमेजेस और वीडियोस यूज करने हैं और उनका ड्यूरेशन इसी तरीके से बहुत कम रखना है। इससे होता यह है कि आपकी स्क्रीन हमेशा मूव करती रहती है तो ऑडियंस को बोरिंग फील नहीं होता है। उसके बाद जो हमने शॉर्ट वीडियो के लिए ऑडियो रिकॉर्ड करी होती है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप जिस भी टॉपिक पे शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं उससे रिलेटेड आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टेक्स्ट यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैं लेट्स से ताजमहल किसने बनवाया इस पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ सबसे पहले हैंडराइटिंग के ऑप्शन में जाऊंगा और इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करके इसको ऊपर यहाँ पे इस तरीके से पोजीशन कर दूंगा। और ये रेक्टेंगल का कलर आपको हमेशा लाइट रखना है, यानी येलो, व्हाइट, स्काई ब्लू, इस तरीके के कलर्स आप रख सकते हैं। उसके बाद हम टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ताजमहल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, या हिंदी में उसको ठेका कहते हैं, तो ठेका लिख देता हूँ। फिर एंटर करके लिख देते हैं किसने लिया था। नाउ ये जो टेक्स्ट है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जो भी पढ़ेगा उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी जनरेट होगी, तो ऐसे ही टेक्स्ट आप भी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ फॉन्ट के ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से मॉन्स्ट्रेट ब्लैक का फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस वाले ऑप्शन में जाके इस लाइन वाले ऑप्शन में इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। उसके बाद कलर के ऑप्शन में जाके इसका कलर ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसका ड्यूरेशन यहाँ से पूरा इंक्रीज कर देंगे पूरी वीडियो के एंड तक। साथ में हम हैंडराइटिंग वाले लेयर का भी पूरा ड्यूरेशन यहाँ तक इंक्रीज कर लेते हैं और अब इसको यहाँ पे इस तरीके से पोजिशन कर देना है। नाउ गाइस अगर आपको और इंटरेस्टिंग इसको बनाना है तो इस वाले लेयर को यहाँ से डुप्लीकेट कर लीजिए और किसने बनाया था वाला पार्ट यहाँ से रिमूव कर दीजिए और फिर दूसरे वाले लेयर को सेलेक्ट करके किसने बनाया था छोड़ के बाकी सब इरेज कर दीजिए। नाउ इसका कलर रेड सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इन दोनों को इस तरीके से पोजीशन कर दीजिए। तो अब देखिए अब ये पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब आप ये जो फोटोज एंड वीडियोज हैं इनमें मूवमेंट देने के लिए सबसे पहले तो उनको सेलेक्ट करिए, फिर इस वाले ऑप्शन में जाके आप इनको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं इनको प्ले करके आपको बताऊं तो देखिए अब इनमें मूवमेंट होना शुरू हो गई है। तो आपको इस तरह की भी चीज़ें कर लेनी है। वैसे अगर आप बहुत सारे इमेजेस और वीडियोस ऐड करते हैं कम ड्यूरेशंस पे तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिशन का इफेक्ट भी है तो वो भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ट्रांजिशंस बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करेंगे तो आपको स्लॉट रोल का ट्रांजिशन मिलेगा। ये मैं बहुत ज़्यादा अपने वीडियोस में भी यूज़ करता हूँ तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा घटा देंगे, उसके बाद थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे स्पीडी रैप का ट्रांजिशन मिलेगा, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये फिल्म बर्न का ट्रांजिशन है और ये तो मैं अब बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो इसका कुछ इस तरीके का ट्रांजिशन इफेक्ट आता है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कट एंड पुल का ट्रांजिशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको VHS एडजस्टर का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके और नीचे आएंगे तो यहाँ पे ग्रेविटी वेल और एक्सेलरेशन का ट्रांजिशंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सारे ट्रांजिशंस मैंने आपको बताए इनको आप इमेजेस और वीडियोस के बीच में जहाँ आपको इंपॉर्टेंट लगे वहाँ आप ऐड कर सकते हैं।
अब इसके बाद आप अपने वीडियोस के बीच में कहीं पे अगर आपको ऐसा फील हो तो आप मीम्स भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आपकी वीडियो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसके बाद फाइनली अब हमें कैप्शंस यूज करने हैं, तो कैप्शंस यूज करना सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर यूज करिएगा अपने सारे शॉर्ट वीडियोस में। तो कैप्शंस ऐड करने के लिए हम टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। उसके बाद फॉन्ट्स के ऑप्शन में जाके सबसे पहले तो इसका फॉन्ट चेंज करके मॉन्स्ट्रेट ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे और फिर बैकग्राउंड के ऑप्शन में जाके इसको ऑन करेंगे और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे इस तरीके से, और साथ में यहाँ जो फुल विड्थ बैकग्राउंड है इसको भी ऑन कर देंगे। अब इसको इस तरीके से एडजस्ट करके आपको यहाँ पे पोजीशन कर देना है, तो इस तरीके से आपके वीडियो में कैप्शंस भी ऐड हो जाएंगे। तो ये सब करने के बाद लास्ट में बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लेना है, तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से जाके इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर देंगे और इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे। तो फाइनली हमारी वीडियो रेडी हो जाएगी और इसको एक्सपोर्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये था तरीका एडिटिंग के थ्रू आप कैसे अपने शॉर्ट वीडियोस को ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा साहब, और अगर आप वायरल शॉर्ट्स क्रिएट करने के दूसरे तरीके जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करिए, और शॉर्ट वीडियोस के लिए वायरल टॉपिक्स कैसे ढूंढने हैं ये जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करिए। थैंक यू।